फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम लोग कंप्यूटर का टॉपिक लेके आए हैं वो आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है गाइस, तो जैसा आप सभी को मालूम है, एनटीए नेट के कंप्यूटर की हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए कंप्यूटर्स के हर आपका एक वीडियो आएगी। ठीक है, बेसिकली इससे पहले दो वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने क्या किया, पहली वीडियो में हम लोगों ने फुल फॉर्म्स को डिस्कस किया है। ठीक है, दूसरी वीडियो में हम लोग एक एमसीक्यूज लेके आए थे एक सीरीज़ से, उसकी सीरीज़ अभी फिर से अपलोड हो जाएगी, दूसरा पार्ट उसका। उससे पहले थ्योरी पार्ट को देखते हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एनटीए नेट पे। अगर आपने भी देखा होगा थोड़ा सा, अगर आपने मॉडल पेपर देख लिया या गेस्ट पेपर जिसे बोलते हैं उसको देख लिया होगा आपने, या फिर जो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखा होगा, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपसे चार ऑप्शन दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इनमें से इनपुट आउटपुट इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, सिंपल पूछ लिया गया कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपसे चार ऑप्शन दे, आपसे पूछ ले आउटपुट डिवाइस पूछ ले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बनता है आपसे एक सिंपल किसी डिवाइस का नाम दे दिया, सिंपली जैसे आपका दे दिया ट्रैक बॉल दे दिया और ये पूछा गया ये आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो इससे तो बेसिकली अगर देखा जाए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये दो पार्ट, एक दो टॉपिक हो गए, एक इनपुट डिवाइस हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया, दो टॉपिक से चार टाइप के आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अब ये आपके आना ही आना है। ठीक है, अगर किसी एक सेट में नहीं आया तो दूसरे सेट में आना ही आना, ये तो डैम श्योर है कि आएगा ज़रूर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि ये अगर प्रीवियस ईयर भी देखें तो उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर होता है एक नंबर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। देखिए गाइस, आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो इनपुट डिवाइसेस है उसको रटना है। आउटपुट डिवाइसेस तो आपको सिंपली मालूम चल जाएगा, इनपुट डिवाइसेस देखिए, अब वो टाइम गया कि जब आपसे ये पूछा जाए कि कीबोर्ड आपका क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाले, बहुत पुराने हो गए, बहुत ही ईजी हो गए, बच्चे बच्चों को अब सभी मालूम है, तो क्वेश्चन आने ही वाले नहीं है। अब इतना भी नेट JRF कोई ऐसा बच्चों का कोई ग्रुप डी का पेपर नहीं है, वैसे ग्रुप डी भी टफ आते हैं पेपर, लेकिन सिंपली एक एग्जांपल दिया, एक रेफरेंस के तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा छोटा पेपर नहीं है। पहले होता था कि इसमें पूछा जाता था माउस क्या है आपका, कीबोर्ड क्या है, और आते हैं क्वेश्चन, ऐसे आए भी हैं, पर आप अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब वो लोग चेंज करने वाले हैं या चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे, पूछ लिया गया आपसे लाइट पेन क्या है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। अब जिसने पढ़ा होगा तो वो तो बता देगा, जिसने नहीं पढ़ा तो वो सोचेगा लाइट पेन है क्या, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, किसी से पूछ लिया गया जॉयस्टिक क्या है, ये इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, जिसने जो जो इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होगा, मतलब वो जानता होगा, खेला होगा इससे, वो समझ जाएगा ये जॉयस्टिक क्या है। ठीक है, कोई पूछ लेगा आपसे स्कैनर वगैरह, तो शायद ही आप सभी को मालूम हो, लेकिन ये थोड़ा डाउट होता है कि स्कैनर, वो लोग सोचते हैं ना स्कैनर मतलब वो स्कैन कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है, मतलब जब हम लोग फोटो स्कैन करते हैं तो लाइक हम लोगों को ये लगता है कि फोटो जो हम लोगों ने डाला है ना वो हम लोगों ने स्कैन करवाया है, तो वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग को मॉनिटर पर दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बस आपको करना क्या है, एक नोट्स बनाना है आपका, एक नोट्स में क्या लिखना है, इनपुट डिवाइसेस लिखना है, और नीचे जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम से पहले आपको वैसे ही रट लेना है, बस खत्म, बाकी उससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आने वाला है कि लैंग्वेज चेंज कर गए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई लैंग्वेज चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का अच्छा क्वेश्चन है, ये दो तीन क्वेश्चन जितने भी अगर आते हैं आपके नेट में, और ये तीन चार नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते, पहले हम लोग इनपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने लास्ट वाली वीडियो में इंग्लिश में टाइप किया था, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था हिंदी में, बट किसी का कमेंट आया था कि प्लीज़ उसको हिंदी में प्रोवाइड करवाइए, तो मैं समझा दूंगा आपको। देखिए इनपुट डिवाइस क्या है, जिन युक्तियों मतलब डिवाइसेस, ठीक है, जिन युक्तियों या डिवाइसेस का प्रयोग डेटा और निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में प्रविष्ट या इनपुट करने के लिए किया जाता है, वे सभी इनपुट डिवाइसेस या युक्ति आगम कहलाती हैं। ठीक है, कैसे, मतलब ऐसी डिवाइसेस जिसमें कोई भी डेटा हो गया या कोई भी इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, इनपुट करने के लिए अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे क्या होगा, इनपुट डिवाइसेस में नाम ही आ रहा है इनपुट। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट करने के काम है, कैसे वो इनपुट होता है वो अभी बता रहे हैं। देखिए एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए कि एक ऐसा इंसान है जो अभी अभी उसने कंप्यूटर देखा, उसको कुछ नहीं मालूम है, उससे अगर पूछा जाएगा इनपुट डिवाइसेस क्या हैं तो वो कैसे बताएगा। देखिए आप फ़ोन चला रहे हो ना, तो फ़ोन का सबके पास टच फ़ोन है, तो कीपैड होता है। ठीक है, आप सभी को मालूम है कीपैड होता है,
कीपैड में क्या होता है, ये मान लीजिए स्क्रीन है, हम लोगों ने यहाँ पे ए लिखा है, हमने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। मैसेज हम लोग टाइप कर रहे हैं कुछ भी, हम लोग यहाँ पे क्या टाइप कर रहे हैं, एक बटन को प्रेस कर रहे हैं। कीपैड के थ्रू हम लोग क्या प्रेस कर रहे हैं, ए बटन को प्रेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने जो कंप्यूटर यानी अपना वो मोबाइल है उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भैया आप ए प्रेस करवाइए, ए ए यहाँ पर टाइप होना चाहिए। तो हम लोगों ने टाइप करवाया, ए उसने कंप्यूटर ने तुरंत टाइप कर दिया या हमारे मोबाइल ने टाइप कर दिया। तो इनपुट का काम क्या कर रहा है, इनपुट का काम ये कीपैड कर रहा है। तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट ये कीपैड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे गूगल असिस्टेंट आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गूगल से बोलते हैं, आप सभी ने मालूम होगा कि वो जो है ओपन fb.com या कुछ भी ऐसा ही, मतलब बिना टाइप किए सिर्फ साउंड के थ्रू हम लोग वेबसाइट एक्सेस करवा लेते हैं। किसी को फ़ोन करना होता है, किसी को मैसेज करना हो तो हम लोग साउंड के थ्रू, बोल के थ्रू कर देते हैं, इसी को गूगल असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो साउंड के थ्रू हम लोग कर रहे हैं ये भी आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी को, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो कि ये काम करो आप, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट डिवाइसेस। तो इसमें डाउट नहीं होगा, पहचानने का कई तरीके होते हैं इनपुट डिवाइसेस, लेकिन सिंपल जिनसे हम जिस चीज़ों को हम लोग जानते हैं वो हम बता देंगे। लाइक हम लोग बता देंगे कीबोर्ड कि भैया ये आपका क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि कीबोर्ड में हम लोग प्रेस करते हैं, कीज़ को प्रेस करते हैं, ठीक है। माउस है, हम लोग माउस को प्रेस करते हैं, ठीक है, ये भैया इनपुट डिवाइस है, हम लोगों ने बता दिया, ठीक। पर एक और क्वेश्चन आता है माउस से, सिंपल एक क्वेश्चन आ जाएगा कि माउस किस टाइप का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मतलब किस टाइप का इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस के भी टाइप होते हैं, पर अभी मैं बता दूंगा, आपको लिख देना पड़ेगा बस, ठीक है। देखिए सबसे पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं इनपुट डिवाइस में, सिंपल लिख लीजिएगा आप लोग, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बार कोड रिकग्निशन, ओएमआर, ओसीआर और एमआईसीआर, स्कैनर, माइक, माइक्रोफोन, माउस, ठीक है। इन सभी के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कुछ चीज़ें आपने हो सकता ना सुनी हो, जॉयस्टिक हो गया शायद सुना हो लेकिन मालूम ना हो, लाइट पेन मालूम ना हो, ट्रैक बॉल क्या होता है मालूम ज़रूर होगा, नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि ये इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं जैसे जनरली अब वो लोग क्या होते हैं, अब जब से फ़ोन आ चुका है ना तो कंप्यूटर से भी काफ़ी ज़्यादा लोग दूर रहने लगे हैं, कि फॉर्म वगैरह हम लोग को भरना होता है कैफ़े ना जाके हम लोग मोबाइल ही से भर देते हैं, है ना, आप सभी को मालूम है, थोड़ा ईजी हो गया है। तो कुछ चीज़ें जैसे अवेयर नहीं थे, लाइक कभी मैंने जॉयस्टिक का यूज़ नहीं किया तो मुझे नहीं मालूम कि जॉयस्टिक क्या होती है। तो जॉयस्टिक सबसे पहले मैंने बहुत पहले पढ़ा था जॉयस्टिक के बारे में, तो उसके बारे में सर्च करना पड़ा कि जॉयस्टिक असल में होती क्या है ना। तो इस तरह कई सारे होते हैं जो सबके लिए फैमिलियर नहीं होता कोई भी एग्जांपल। तो कुछ नहीं, आपको याद करना है, देखिए याद करने का तरीका क्या है, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड में क्या होता है प्रेस करते हैं, ट्रैक बॉल मैं अभी बता दूंगा फिगर के साथ कैसा होता है, लाइट पेन, जॉयस्टिक ये गेम्स के लिए होता है, गेमर आप सभी ने देखा होगा, अगर बॉयज में कोई हो टेकन 3 किसी ने खेला होगा लाइक, और जॉयस्टिक से आपने कंप्यूटर मतलब गेम का जो रिमोट होता है उसको भी आप जॉयस्टिक बोल सकते हैं, बस ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। उसमें भी प्रेस करते हैं तो वो अपना काम करता है, ठीक है। बार को रिकग्निशन, ओएमआर, ओसीआर, एमआईएससीआर, स्कैनर, माइक, माइक से हम लोग बोलने के थ्रू, ठीक है, माइक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माउस हो गया, ठीक है। चलिए उससे पहले आपको बता दें माउस के लिए क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, माउस बेसिकली आपका क्या है, इंडिकेटिंग आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है या इंडिकेटिंग डिवाइस है। कैसे, आपको मालूम है माउस में ऐसा मार्क होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडिकेट कर रहा है किसी चीज़ को, है ना, तो ये इंडिकेटिंग हो गया आपका, माउस हो गया एक इंडिकेटिंग डिवाइस, या इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंटर डिवाइस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंटर, मतलब किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है ना। तो याद कर लीजिएगा माउस आपका क्या है, पॉइंटर डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस, जो किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है इस वजह से, ठीक। और यहीं पर आपको बता दें ट्रैक बॉल भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब इसकी तो हिंदी नहीं है लेकिन ये बस पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से ही क्वेश्चन भी आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर हिंदी की बात करते हैं इसे बोलते हैं संकेतन यंत्र, ठीक है, संकेतन यंत्र यानी पॉइंटिंग डिवाइस। दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रैक बॉल और माउस आपके क्या हैं, तो देख लीजिएगा कि आप लोग बता दीजिएगा ट्रैक बॉल और आपका माउस क्या है, या आपका क्या है, एक इंडिकेटिंग या पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस को हिंदी में बोलते हैं संकेतन यंत्र, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल, देखिए जॉयस्टिक आपने देखा होगा इसको, गेमर्स जो होते हैं उनके पास कई टाइप के होते हैं, ये तो एक
एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, कई सारे टाइप होते हैं, तो ये जॉयस्टिक के कई सारे आपका हो गया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका एक वो है एग्जाम्पल जॉयस्टिक का। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं लाइट पेन, लाइट पेन कैसा होता है, तो लाइट पेन भी देख लीजिए कि डिजिटल पेन की तरह हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइट पेन। देखिए आपसे क्वेश्चन अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा लाइट पेन इज एग्जाम्पल ऑफ, लाइट पेन किसका एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस का है या आउटपुट डिवाइस का है, तो आप सभी को मालूम है आउटपुट डिवाइस का है, सॉरी इनपुट डिवाइस का है, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर और प्रिंटर अब तो एक ही में आने लगे, आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा, स्कैन कराते होंगे, फॉर्म भरवाते होंगे, तो फोटो स्कैन करता है आपका कैफे वाला, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है स्कैनर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्या कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होती है स्कैनर को लेकर, याद कर लीजिए स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, देखिए ट्रैक बॉल क्या होता है, यहाँ पे एक आपका एक स्विच के टाइप पे होता है, इसको रोटेट करने का काम आता है, ठीक है, इसके भी कई सारे आपके टाइप्स होते हैं, ये बीच में भी आ जाता है, तो ट्रैक बॉल भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक। चलिए आउटपुट डिवाइस आ गया है, चलिए उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं इनपुट डिवाइस, जल्दी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बार कोड रिकग्निशन, OMR, OCR एंड MICR। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, इसका एग्जाम्पल दे देगा, ये पूछेगा आप ये क्या है, तो आपको लगाना होगा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्कैनर, माइक, माइक्रोफोन, माउस, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन में उन्होंने क्या देखा था, ऐसे डिवाइसों से जिससे हम लोग इनपुट करा सकते हैं, इनपुट डिवाइस सेम अगर हम लोग आउटपुट डिवाइस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह युक्तियाँ या वह डिवाइसेस जिनसे आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आओगे आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इसके एग्जांपल ही ज़्यादा नहीं है, तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। आप आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल याद कर लीजिए, रेस्ट के जितने भी बचे, मतलब जितने बचे हैं वो आपका इनपुट हो जाएगा, ये भी एक तरीका याद करने का, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया, ऐसे डिवाइसेस जिनसे हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब खुद के माइंड में सोचिए आंखें बंद करके कि ये आपका आउटपुट डिवाइसेस के, मतलब ऐसे कौन से डिवाइसेस जिनसे हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले आपका नाम आएगा डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल सबसे पहले प्रिंटर, क्योंकि आउटपुट हम लोग को प्रिंटर से प्राप्त होता है ना, प्रिंटर करवाया, प्रिंट निकला, आउटपुट मिल रहा है, और वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंट निकलता है, तो आप वो प्रिंटर हो गया, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर भी आप सभी को मालूम है, कंप्यूटर का मॉनिटर, कंप्यूटर की स्क्रीन, CRT मॉनिटर, दोनों में अंतर की मैं अभी बता दूंगा, दोनों में अंतर कैसा है, ठीक। देखिए पहले ज़माने का जो कंप्यूटर होता था, मान लीजिए ये इसकी स्क्रीन है, तो पीछे ऐसा इतना बड़ा होता था, जैसा टीवियाँ भी होती हैं, कुछ लोगों में अभी भी टीवी होगी, अब LED और LCD ज़रूरी नहीं है सबके यहाँ हो, पहले टाइप की भी टीवी होती है, तो ये देखिए पीछे का जो ये है, ये पोर्शन निकला था, अब तो बहुत थिन हो चुके हैं, एकदम पतले से आते हैं बस, एक ये मॉनिटर होता है, ये CRT मॉनिटर होता है, CRT, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जिसमें पीछे से थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक, तो ये होगा CRT मॉनिटर, थोड़ा सा जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए। और ये सिंपल मॉनिटर जो आजकल का ज़्यादातर आपने कैफ़े वगैरह में देखा होगा, सिंपल ऐसे टाइप का होता है ये मॉनिटर, बस पीछे कुछ नहीं होता, एकदम प्लेन, और ज़्यादा पतला भी, ज़्यादा मोटा भी नहीं होता, एकदम पतला सा होता है, ठीक है, तो ये होगा मॉनिटर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा आउटपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस का हम लोगों ने देखा प्रिंटर देख लिया, मॉनिटर देख लिया, CRT मॉनिटर देख लिया, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कई टाइप के आपके प्रिंटर्स भी होते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स की, तो प्रिंटर भी आपके कई टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हो गया आपका डॉट प्रिंटर हो गया, लेकिन ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके पहले आप क्या क्या देख लेंगे, उससे पहले मैं आपका एक वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिसमें कंप्यूटर के सारे आपका क्या होगा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जैसे जैसे आए होंगे, और पहले की वीडियो देख, पहले के आपके क्वेश्चंस देखने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि कौन कौन से टॉपिक लाना होगा, ये आपका वही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा इस क्लास में, जो NTA नेट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो पूछे जाएंगे किसी ना किसी सेट में, ठीक है। कैसे, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक था टॉपिक, फुल फॉर्म एक टॉपिक था। अब आपको मालूम हो नेक्स्ट वीडियो में जो एक वीडियो आने वाली है, दो वीडियो आएंगी, एक वीडियो में अभी आपका आएगा कि MCQs को डिस्कस किया जाएगा, उसका पार्ट दूसरा होगा, क्योंकि पार्ट एक आ चुका है, ठीक। दूसरा जो एक वीडियो आने वाली है, उसमें गाइस हम लोग डिस्कस कर क्या करने वाले हैं, आपको मालूम है साइज़ का आता है, मेमोरी साइज़ के बारे में आपको मेमोरी के बारे में बता दिया जाएगा, वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा, जितने इससे पहले नेट या JRF का पेपर दिया होगा उसको मालूम होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या है, ये वाली वीडियो ढंग से देखनी है, नोट कर लेना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लिस्ट के तौर पर, ठीक है। डेफिनेशन नहीं पूछा जाता इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का,
पर फिर भी जानने के लिए मैंने लिखवा दिया था आपको, कि आपको भी मालूम हो या पता चल सके, थोड़ा सा फैमिलियर हो सके इस टॉपिक से। और आपको क्या करना है, बस एग्जांपल लिख के रट लीजिए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बने रहिएगा हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है, कई सारे आपको अलग से इंडिविजुअल आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।